अगली बड़ी खबर कानपुर से, जहां हार्डवेयर की दुकान में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग की चपेट में दुकान मालिक झुलसा है। बर्रा थाना इलाके के जनता नगर इलाके की यह घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर आपको बता दें कानपुर से, जहां हार्डवेयर की दुकान में आग लगने से हड़कंप मचा। आग की चपेट में दुकान मालिक भी आया है। आग किन कारणों से लगी ये तो नहीं साफ हो पाया। बहरहाल जानकारी ये है, जो दुकान का मालिक है वो भी आग में झुलसा है। बर्रा थाना इलाके के जनता नगर इलाके की ये तस्वीरें हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इतनी भीषण आग लगी है। तस्वीरों के जरिए देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है और जो दुकान मालिक है वो भी झुलस गया है। आगे बढ़ते हैं लखनऊ से अगली खबर, जहां 3 सीटों के उपचुनाव पर भारतीय जनता पार्टी का मंथन जारी है। रामपुर के लिए 3 नामों पर मंथन चल रहा है। सूत्रों के हवाले से जानकारी, आकाश सक्सेना या भारत भूषण गुप्ता को टिकट मिल सकता है। डॉक्टर तनवीर बन सकते हैं रामपुर से उम्मीदवार। खतौली से भाजपा किसी सैनी को उम्मीदवार बना सकती है। विक्रम सैनी की पत्नी के नाम पर भी विचार चल रहा है। सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी मिल रही है। मैनपुरी लोकसभा सीट पर किसी शाक्य को टिकट दिया जा सकता है। मैनपुरी से क्षत्रिय उम्मीदवार भी उतार सकती है बीजेपी। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए रामपुर और मैनपुरी में सबसे ज्यादा सोचने वाली बात यह होगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी के गढ़ रहे हैं। ऐसे में जातिगत समीकरणों को भी ध्यान में रखना है। समाजवादी पार्टी के गढ़ को भी ध्यान में रखते हुए जिताऊ कैंडिडेट को उतारना अपने आप में चुनौती भी है और मंथन का दौर इसीलिए बीजेपी में जारी भी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सुल्तानपुर की सांसद मेनका गांधी ने सुल्तानपुर दौरे के पहले दिन गुरु नानक जयंती पर गुरु सिंह सभा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। साथ ही संकीर्तन में शामिल होकर गुरुद्वारे में माथा टेका, जिसके बाद मेनका गांधी ने इटकौली, गेडोरा, सुदनापुर, बेलहारी और देनवा समेत दर्जन भर गाँव में जन चौपाल के जरिए लोगों की समस्याओं को सुना, उनका हल निकाला। सुल्तानपुर जिले में डेंगू के बढ़ते प्रकोप पर मेनका गांधी ने चिंता भी जाहिर की। मुझे बहुत गर्व है कि मैं सिख धर्म की लड़की हूँ और ये एक ऐसा धर्म है जिसने कभी कोई भेदभाव किया नहीं है। सेवा सबसे ज़्यादा यही करते हैं। सुल्तानपुर में भी सब लोग ईमानदारी से काम करते हैं, सेवा करते हैं। मुझे बहुत गर्व है हमारे सिख भाई और बहनों पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।